मसले को हल कर दे, लेकिन हमको इस मैदान में उतरना पड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। अगर आप भी आइंदा अगर सुने अगर वक्फ के जो हजरात जिम्मेदारान हैं अगर हरकत में नहीं आए तो हम और प्रोटेस्ट करेंगे, आगे और कदम बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारा मसला हल ना हो। मैं एक कब्रस्तान की मुतवल्ली हूँ, 2005 से वो कब्रस्तान के लिए जो हम सब लोग जो सो इकट्ठा होके लड़ रहे हैं ना, एरिया का नाम, एरिया का नाम जो सो सर्वे नंबर 227 BS मक्ता सोमाजगुड़ा विलेज। जब निजाम गवर्नमेंट रहे इस वक्त में, उस वक्त पंजगुट्टा नहीं था, अमीरपेट नहीं था, खाली जो सो माजगुड़ा विलेज थी, वो विलेज की जो सो वो कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान जिस वक्त आंध्र प्रदेश बन गई है, जब जो सो हुसैन सागर की चादर को जो उठा दी है, जब कब्रस्तान जो सो उसमें पानी में डूब गई, पूरे कब्रां बह के चले गए, अगर जो बच गए सो जो सो बाद में जो सो चंद TRS का रुखों ने आके जो बुलडोजर दार रख के जो सो उसको मिटा दिए, मट्टी को उठा दिए, और वो बुलडोजर को वो जो सो ट्रक्स को भी जो सो पुलिस वालों को दिए, मगर पुलिस वाले केस बुक नहीं करे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। और उसके बाद 2005 से हम जो सो जॉइंट सर्वे के लिए जो सो अप्लाई करे थे, जबकि जो सो कमीशनर ऑफ वक्त कमिश्नर और जो सो MRO अमीरपेट, जब अमीरपेट की MR के तहत थी ये जगह, वो दोनों ने जॉइंट जो सो 2005 में जो सो सर्वे करे, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट हमारे ने दी है, फॉल्स केसेस बुक कर दे, और जो MRO और जो सो पुलिस वालों को जो सो प्रेशर डाल के हमारे ऊपर जो फॉल्स केसेस बुक कर दे, इतना एनी एविडेंस ये इसलिए से जो सो दारम नागे दर्रे कर रहा है TRS MLA जिसको जो सो ये हाथ से वोट दिए, ये हाथ को जो सो काट रहा है। सारे मुसलमानों से मेरा अपील है TRS के खिलाफ जाओ, TRS जो सो मुसलमानों के कब्रों पे ऊपर गला बनाना चाहती है, TRS जो सो बहुत दुश्मनी पार्टी है हमारे लिए। कितने मस्जिद के तहत है कब्रस्तान पूरे जो सो बच्चों के लिए, एक का एक मस्जिद के लिए नहीं, ये मस्जिद भी है, उधर की मस्जिद है, टोटल फैसलाबादी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे लोगों का है, 1500 मस्जिद है। मुसलमानों ने खैरताबाद असेंबली डिवीज़न के तमाम लोग यहाँ पे जमा हैं इस बात को लेकर के यहाँ पर मौजूद सोमाजीगुड़े में BS मक्ते में मौजूद ये कदीम कब्रस्तान, ये गजिट नोटिफाइड कब्रस्तान है, इसकी कार्रवाई बाज़ाब्ता की गई है, इसका फर्स्ट सेकंड सर्वे किया गया है और कबूर मौजूद थे, और उसके बाद कुछ सरपरेशन अनासिर ने खबूर को मिसमार किया। इस मामले में जब महमूद अली साहब अपोजिशन में थे TRS पार्टी, हम जब बोले थे उनको और महमूद अली साहब आके इंस्पेक्शन भी करे थे, और उनकी जबानी है कि वहाँ पे खबूर थे हो रहा ये थे, ये था कि बिलखसूस दानम नागेंदर इससे पहले भी नाजायज कब्जा करने की कोशिश करे थे उनके लोग, और उसकी उसको हम प्रोटेक्ट करें मुस्लिम ग्रेवयार्ड को, बाद में गजिट नोटिफिकेशन करें, अब वहां पर फेल हो गए नाजायज कब्ज करने के वास्ते। अब नई बात कर रहे हैं कि डबल बेडरूम, अरे डबल बेडरूम कैसा बनेगा, गवर्नमेंट लैंड पे बनना चाहिए, और ये कब्रस्तान पे डबल बेडरूम कैसा बनता है, यही TRS ने सिकंदराबाद में एक ऐसा ही हालत कवाटीगुड़े में कि डबल बेडरूम, औकाफी जायदादों को बजाय प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूदा हुकूमत TRS फेल रही है, और आप जानते हैं कि सेक्रेटरीट की मसाजिद हो या फिर कोई चीजें हो, और इस मामले में चेयरमैन हमारे मोहम्मद सलीम साहब भी एक प्रोसीडिंग इशू करे, जिसमें हमको परमिशन दी गई थी कि हुदूद बना लो बोल के, हम यहाँ पर मेटीरियल ला के रखे हुदूद बनाने के, क्योंकि नाजायज कब्जे हो रहे हैं, तो उसके बाद हमारे जो हुकूक है उसको हमारे हुकूक को रोकते हुए हमारे अराकीन के ऊपर FIR किया जाता है पंजागुटा PS में। दूसरी तरफ महमूद अली साहब खामोश तमाशा ही बैठे हुए रहते, क्या TRS
हम अखिलेतों के मुफाद में काम करना चाहते हैं या खुला बोल दीजिए कि क्या टीआरएस बीजेपी के नक्शे खत्म पे चल रही है। यहाँ पर औकाफी इजाजतों का मुसलमान कोई समझौता नहीं कर सकता, और आपको जानना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट में वाईएसआर गवर्नमेंट के पीरियड में बंजार हिल्स में कब्रिस्तान उल्टा दिया गया था सरकारी जमीन में से। और आप जानते हैं कि ये खैरताबाद डिवीजन बिलखसूस शेखपेट मंडल और खैरताबाद मंडल में कब्रिस्तान की बहुत ही तंगी है। अमीरपेट का कब्रिस्तान पूरा मुकम्मल हो चुका है और कोई जमीन मौजूद नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बरियल ग्राउंड देना चाहिए, मुसलमानों को तदफीन में कोई मुदाखलत नहीं की जाए, और यहाँ पे हमको जो भी हमारे हुकूक है हमारी जिम्मेदारी हम यहाँ पे निभाएंगे। और अगर खामोश तमाशा टीआरएस रहेंगे तो आगे मकाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी के ग्रुप है। खैरताबाद एरिया में 52 मसाजिद है और माइनॉरिटी मुस्लिम वोट्स ऑलमोस्ट 60,000 से 70,000 वोट्स है सो खैरताबाद एरिया में है। और हम लोग को खैरताबाद में सिर्फ 3 कब्रस्तान है, जो एक अमीरपेट पे है खैरताबाद में और बंजारा हिल्स में है, वहाँ पे कब्रस्तान फुल हो गया। और आगे मुसलमानों को ऐसा कब्रस्तान की जगह सख्त जरूरत है खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये बहुत ओल्ड कब्रस्तान है जिसमें सेकेंड सर्वे अकॉर्डिंग टू TSLR कॉपी कब्रस्तान डिक्लेयर किया गया था 2005 में। ऐसो सेकेंड सर्वे में कब्रस्तान के लिए डिक्लेयर कर दिए थे, उसके कार्रवाई के लिए गजेट भी ऐसो नोटिफाइड हो गई। और लास्ट नागेंद्र साहब जब इलेक्शन में ठहरे थे उन्होंने तवखन और वादा करे थे कि ऐसा आते कि ऐसा पहला काम यह कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए ऐसा हम दिलाएंगे, उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे बोल के। हम वो ही उम्मीद में ऐसा TRS पार्टी को और नागेंद्र साहब को ऐसा आज हुकूमत में लेके आए इधर खैरताबाद से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा आज TRS पार्टी हर मुस्लिम ग्रेवयार्ड के ऊपर नज़र है, डबल बेडरूम प्रोजेक्ट के लिए ग्रेवयार्ड के लिए जगह नहीं है, घरों के लिए गवर्नमेंट लैंड बहुत है। हम KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि ऐसा खैरताबाद में ये लैंड इमीडिएटली ऐसा कब्रिस्तान के लिए इसको इशू कर दीजिए। चेयरमैन साहब भी आए थे वक्फ बोर्ड में, ऐसा ये पूरा गजट हुआ तो चेयरमैन साहब को भी मालूम है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इस तरीके से है कि मालूम है आपको कि ऐसा वक्फ बोर्ड में भी ऐसा TRS इन्फ्लुएंस चल रहा, खैरताबाद एरिया में भी TRS इन्फ्लुएंस चल रहा। ये माइनॉरिटी के वास्ते मुसलमानों के वास्ते कोई आवाज़ उठाने के लिए आगे कोई नहीं आ रहा फिलहाल।